पत्नी बीमार पति को कूट रही थी तो सास ने वजह पूछी तो पत्नी ने कहा आयुर्वेदिक दवा लाई थी, वेद जी ने कहा था कूट कर देना। अब तो इश्क की हद ही हो गई, वो कहती है मेरे पति का भी रिचार्ज करवाओ। तो टैग करो उस दोस्त को जिसका जन्मदिन है और वो पार्टी नहीं दे रहा है कि मेरे गुस्सा करने पे तुम डर जाओगे, मेरे गुस्सा करने पे तुम डर जाओगे और क्या कहा तुम्हें पार्टी नहीं देनी, एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना मर जाओगे। अगर बात करने से ही प्यार होता तो आज कस्टमर केयर वाली तुम्हारी भाभी होती भाभी। ऐसे ही सिंगल नहीं हूँ, बहुत कलेजा चाहिए मुझे पटाने का। अच्छा लड़कियों सुनो, तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम मेरी तारीफ करना चाहती हो तो कर सकती हो क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन हूँ। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर उसके भाइयों ने मुझे इतना पीटा जितना पीटा जा सकता था। मेरे पीठ पीछे बुराई करने वालों, भगवान तुम्हें विमल खाने वाली पत्नी दे। अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो जाए तो उसे खड़ी रहने दो, बिचारी थक कर खुद बैठ जाएगी। तो गाइस, अगर आपसे भी आपकी क्रश नहीं पट रही है और आपको जरा सा भी भाव नहीं देती है तो उसे कबाड़ में बेच के देखें, अच्छा भाव देगी। अरे उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैंने भी कह दिया तू मुझे क्या छोड़ेगी, मेरे पास गाड़ी है मैं खुद चला जाऊंगा। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा ये भी नहीं पटेगी यार। रिश्ता पक्का होने ही वाला था, उतने में ही उसने कह दिया जोक्स बनाना छोड़, ईंट मार के भाग आया। अरे दोस्तों मान लो ये चांद का नाम सांड होता तो अपनी फिल्मों के गाने कैसे होते। एक गाना हो जाए कमेंट में। अपना फोन चार्जिंग से निकाल कर किसी और का फोन चार्ज में लगाना सबसे बड़ा दान होता है। अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो ना दाएं जाएं ना बाएं जाएं, सीधा बाढ़ में जाएं। एक बात पूछनी है, ये कामयाबी पूरा शरीर छोड़कर कदम क्यों चूमती है। एक गांव से निकले पूरे शहर में छा गए, हट जाओ कबाड़ी आ गए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, बाहर सूरज अंदर गर्मी और अभी बाकी है मई और जून।